आगरा के सभी थानों पर तीसरी आंख का पहरा रहेगा। थाने में शोपीस बनी सीसीटीवी कैमरे सही होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन अब इन सभी कैमरों को एसएसपी ऑफिस से भी जोड़ने की योजना बना रहा है। बता दें कि शहर और देहात के 25 थानों को ऑफिस से जोड़ा जाएगा और इनकी मदद से एसएसपी अपने ऑफिस से ही थानों के लाइव हालात देख सकेंगे। दरअसल आगरा में थानों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए कई साल पहले सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, लेकिन अधिकतर थानों के सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे, जिसके बाद अब आगरा के एसएसपी बबलू कुमार ने सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने के निर्देश दिए। अब तक इन थानों की सीसीटीवी कैमरे की फीड पुलिस मुख्यालय में सेव रखी जाती थी और स्थानीय स्तर पर इन्हें देखने की व्यवस्था नहीं थी। अब कैमरों को एसएसपी कार्यालय में भी कनेक्ट कराने की योजना तैयार हो रही है। टेक्निकल सर्विसेज के द्वारा जनपद के 25 थानों पे दो दो कैमरे एक कार्यालय में और एक परिसर में ये लगाए गए हैं और इन सभी कैमरे को जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका फीड लखनऊ के डेटा सेंटर को जाता है और वहाँ से हम सभी लोग सभी जनपद के एसपीज अपने ऑफिस में थानों के कैमरे की फीड को देख सकते हैं। मैं यहाँ बैठकर अपने थानों के कार्यालय और उसके परिसर को यहाँ से देख सकता हूँ और ये न केवल इस ओर की हमारे कर्मचारी बेहतर काम करें बल्कि किसी प्रकार की जो शिकायतें भी होती हैं पुलिस के मिसबिहेव की, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ से नियंत्रित कर सकते हैं। ये सभी थाने में लगे थे, कुछ जगह खराब थी, उनको शिकायत करके उसको ठीक कराया जा रहा है और हम यहाँ बैठे बैठे और हमारी टीम जो टेक्निकल टीम है वो सभी थानों को मॉनिटर करेगी, कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एसएसपी आगरा की इस पहल से एक ओर थानों पर हो रही गतिविधियों और कार्यों पर नजर रखी जा सकेगी, वहीं थाने पर फरियादियों के साथ पुलिस के व्यवहार और कार्यशैली पर भी निगाह रखने में आसानी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट।